आपकी आवाज। ब्रिजभूषण सिंह मामले में इंडिया टीवी पर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह का बड़ा बयान, कहा लखनऊ ट्रायल में ब्रिजभूषण ने लड़की को गलत तरीके से छुआ था। जगबीर सिंह बोले, मैंने दिल्ली पुलिस को सच्चाई बता दी है, कहा फोटो सेशन के दौरान लड़की को गलत तरीके से छुआ था। जगबीर सिंह ने 2013 में फुकेट दौरे का भी किया जिक्र, कहा फुकेट में भी शराब के नशे में ब्रिजभूषण ने गलत टच किया था, फुकेट में जगबीर सिंह थे रेफरी। ब्रिजभूषण पर आरोप लगाने वाले नाबालिग रेसलर के पिता का कबूलनामा, कहा बदले की भावना से किया था झूठा केस, सरकार से निष्पक्ष जांच के वादे पर केस वापस। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा, सरकार ने 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया है, पहले चार्जशीट दाखिल होने दीजिए, मुझे नहीं लगता अभी कुछ कहना चाहिए। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पोस्टर बैनर के साथ विरोध मार्च, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी नेता नीलेश राणे के बयान का एनसीपी ने किया विरोध, नीलेश ने शरद पवार की औरंगजेब से की थी तुलना। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिला सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी प्रतिनिधिमंडल, शरद पवार को धमकी पर एक्शन की मांग। उधव कुट के नेता संजय और सुनील राउत को धमकी, फोन पर एक महीने में गोली मारने की धमकी, दर्ज कराई शिकायत। कोल्हापुर में इंटरनेट सेवा बहाल, शहर में हिंसा के बाद करीब 45 घंटे बंद रहा इंटरनेट। कोल्हापुर हिंसा की घटना पर भड़के AIMIM चीफ अजुद्दीन ओवैसी, कहा औरंगजेब बाबर के नाम पर बैन, गोडसे के नाम पर क्यों नहीं। कोल्हापुर हिंसा पर संजय राउत के सवाल, पूछा कोल्हापुर में भड़काए गए दंगे उसके पीछे कौन। बीजेपी सांसद धैर्यशील माने का उद्धव ठाकरे से सवाल, कहा उस्मानाबाद औरंगाबाद का नाम बदलना एमवीए को पसंद नहीं, स्टैंड क्लियर करें उद्धव। औरंगजेब का स्टेटस लगाने वाले आरोपियों के परिवारों ने की इंडिया टीवी से बात, लड़कों को किसी के बरगलाने की बात कही। धन परिवर्तन के आरोपी शहनवाज का बैंक अकाउंट फ्रीज, खाते में मिले सिर्फ 19,000 रुपए, गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई। शाहनवाज की मां से पुलिस पूछताछ में खुलासा, केस दर्ज होने के बाद घर से निकला शाहनवाज, भाइयों और मां के साथ गया सोलापुर। जीवा की पत्नी पायल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, पायल ने की थी आखिरी रस्मों के दौरान अरेस्ट पर रोक लगाने की मांग। कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, लखनऊ की गोसाईगंज जेल में भेजा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव जीवा की हत्या के लिए तैयार था प्लान बी, विजय यादव के अलावा कोर्ट कैंपस में मौजूद थे 3 और शूटर। लखनऊ कोर्ट फायरिंग पर बोले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, मामले में होगा कड़ा एक्शन, प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस के लिए भूमि पूजन, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पूजा में लिया हिस्सा, किया शिलान्यास। जेपी नड्डा का बयान, कहा पीएम मोदी ने पॉलिटिक्स का कल्चर बदला, आज वोट बैंक की नहीं रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। संगोल पर जयराम रमेश का ट्वीट, कहा पावर ट्रांसफर नहीं हुआ था कोई कार्यक्रम, अधिनम के प्रमुख स्वामी गल ने किया खुलासा। लव जिहाद पर सीएम धामी का बयान, कहा इन केसों में होगी सख्त कार्रवाई, आज ही डीजीपी के साथ एक मीटिंग। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव का बयान, कहा आरएसएस जैसे संगठनों को दी गई सारी सरकारी प्रॉपर्टीज की होगी जांच। गाजीपुर से पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पर एक्शन, दिल्ली में बंगला कराया गया खाली, सजा के चलते गया सांसद पद। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू, कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा जो कहा सो किया। भोपाल में सीएम शिवराज की मीटिंग, सीएम लाडली बहन बहना योजना में फंड ट्रांसफर की तैयारी। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कम वक्त में पंचायत चुनाव कराए जाने का किया विरोध, कहा विरोधियों को समय ना देना ममता सरकार की चाल। पंचायत चुनाव की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी कांग्रेस, कोलकाता में चुनाव आयोग जाएगा प्रतिनिधिमंडल। अधीर रंजन चौधरी ने अभिषेक बैनर्जी को बताया खोखा बाबू, कहा सरकार से पहले इन्हें पता है कि कब होंगे पंचायत चुनाव। कल मणिपुर जाएंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और अन्य नेताओं से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट सस्पेंशन से जुड़ी याचिका की तत्काल लिस्टिंग से किया इनकार, हाईकोर्ट कर रहा है मामले की सुनवाई। सीएम योगी ने 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र, 75 जिलों के लिए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुए हैं सफल। पीएम मोदी से मिले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, भारत में एआई टेक्नोलॉजी पर हुई बातचीत। आंध्र के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट में, बेटी सुनीता की याचिका पर 13 जून को सुनवाई। आरोपी सांसद YS अविनाश रेड्डी की जमानत को चुनौती, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी थी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया, 2000 के नोट को लेकर याचिका। दिल्ली में बाइक टैक्सी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपना स्टैंड देने को कहा, 12 जून को होगी अगली सुनवाई। मनसुख मांडविया ने पंचकूला और चंडीगढ़ में CGHS वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन, कहा 9 सालों में सेंटर वाले शहरों की संख्या 80 है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भारत में 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, कई गरीब परिवारों के जीवन को बचाया गया। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी, SU-30 MKI लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर में दिखाई ताकत। SU-30 MKI फाइटर विमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में 8 घंटे का लंबा मिशन किया पूरा, हवा में ही विमान की गई रिफ्यूलिंग।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा एक्शन, जमात इस्लामी के लिए इस्तेमाल की जा रही संपत्ति की गई कुर्क। एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 83 जगहों पर 125 प्रॉपर्टी पर कार्रवाई, जमीन और बिल्डिंग की गई अटैच। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय इलाके में दाखिल होते ही बीएसएफ ने मार गिराया। पाकिस्तान ड्रोन से बरामद की गई 5 किलो से ज्यादा हेरोइन, बीएसएफ के एक्शन के बाद राय गांव के पास गिरा ड्रोन। फ्रॉड केस में ईडी का एक्शन, गिलबर्ट पेपिट्स और उनके साथियों की प्रॉपर्टी अटैच, 60 करोड़ से ज्यादा, 52 प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट डेवलपर्स M3M पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, डायरेक्टर रूप कुमार बंसल को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नंद नगरी में युवक पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी शोएब को पुलिस ने किया अरेस्ट।